लखनऊ है आपके साथ बिश्रा। सबसे पहले खबर आपको बता रहे हैं जहां आज से छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षा शुरू होगी। बोर्ड की परीक्षा मार्च में ही खत्म हो जाएगी, यानी छत्तीसगढ़ बोर्ड के तहत 12वीं से परीक्षा की शुरुआत होगी। सुबह 9 बजे से परीक्षा होगी और पहला पेपर प्रथम भाषा विशिष्ट, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, उर्दू और नवीन पाठ्यक्रम हिंदी का पेपर होगा। बोर्ड एग्जाम के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने तैयारी पूरी कर ली है और उड़न दस्ते भी गठित हो चुके हैं। 10वीं की परीक्षा 3 मार्च से शुरू होगी। इसका पहला पेपर भी प्रथम भाषा विशिष्ट हिंदी, अंग्रेजी, मराठी और उर्दू होगा। मार्शिम के अफसरों का कहना है कि बोर्ड एग्जाम को लेकर तैयारियां कर ली गई हैं। पहले दिन उड़न दस्ते की टीम अलग अलग केंद्रों का निरीक्षण करेगी और इसके अलावा मार्शिम के अफसर भी शहरी केंद्रों में जाएंगे और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हेमंत शर्मा मेरे साथ लाइव जुड़ गए। हेमंत, जैसा कि छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, प्रारंभ तो हो गया है, लेकिन यहाँ पर बोर्ड की तरफ से भी तैयारियां नजर आ रही हैं, तो कितनी तैयारियां वाकई में नजर आ रही हैं? देखिए बुशरा, छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षा से शुरू हो गई है और 12वीं का पहला पेपर यहाँ पर आज हो रहा है और कल से 10वीं बोर्ड की जो परीक्षाएं वो शुरू होंगी। मैं भी राजधानी के जैन पांडे स्कूल के परीक्षा केंद्र में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो परीक्षार्थी हैं, प्रदेश भर में 12वीं के 2,70,405 जो परीक्षार्थी हैं वो प्रदेश भर में परीक्षा दे रहे हैं और 2300 से अधिक परीक्षा केंद्र यहाँ पर बनाया गया है। ये जैन पांडे परीक्षा केंद्र है, यहाँ पर देख सकते हैं गेट पर जो परीक्षार्थी हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसको यहाँ पर प्रतिबंधित किया गया है और सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर जो पुलिस कर्मी है उसकी भी ड्यूटी लगाई गई है। इस बार जो परीक्षार्थी हैं वो नए पटन में परीक्षा दे रहे हैं क्योंकि जो आंसर शीट है वो 40 पेज से घटाकर 32 पेज किया गया है। इसके अलावा एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री जो है वो परीक्षार्थियों को नहीं मिलेगी। हमारे साथ केंद्राध्यक्ष BL साहू जी, उनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ सब बदलाव इस बार देखा जा रहा है बोर्ड की परीक्षाओं में? बोर्ड के परीक्षा में उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में परीक्षार्थी की रोल नंबर, विषय, परीक्षा का दिनांक, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, पर्यवेक्षक का नाम एवं हस्ताक्षर अंकित है। परीक्षार्थी केवल जांच करेंगे, जांच करने के पश्चात अपना हस्ताक्षर करेंगे और पार्ट ए में केवल माध्यम एवं प्रश्न पत्र का सेट लिखेंगे। पार्ट बी में परीक्षार्थी सेट एवं माध्यम लिखेंगे। पार्ट सी परीक्षार्थी के लिए नहीं है, वो उसमें कुछ भी नहीं करेंगे। नकल रोकने के लिए क्या कुछ उपाय किए गए हैं सर? क्योंकि नकल रोकने के लिए प्रत्येक परीक्षार्थी की मुख्य प्रवेश द्वार के पास जांच की जा रही है। जांच करने के पश्चात ही परीक्षा कक्ष की ओर भेजा जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की नकल प्रकरण न बन सके। तो देखिए बुशरा, माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से कई यहाँ पर नियम छात्रों के लिए दिए गए हैं और जिस तरीके से आंसर शीट नए पटन में परीक्षा हो रही है, आंसर शीट की जो पेज रहती है 40 पेज उसको घटाकर 32 पेज किया गया है। इसके अलावा अलग से सप्लीमेंट्री उत्तर पुस्तिका छात्रों और छात्राओं को नहीं मिलेगी। अभी जैन पांडे स्कूल में यहाँ पर अभी भी जो छात्र हैं वो अंदर जा रहे हैं, लेकिन अधिकतर जो छात्र और छात्राएं हैं वो परीक्षा केंद्रों में बैठ गए हैं और ठीक 9:30 बजे से जो परीक्षाएं हैं वो शुरू हो जाएंगी और 12:30 बजे तक ये जो परीक्षाएं हैं 12वीं की वो चलेंगी। हेमंत, साथ ही आपसे जानना चाहेंगे किसी भी प्रक्रिया को बदलने के लिए, उसमें बदलाव के लिए सबसे पहले नतीजे जो होते हैं उन्हें देखना पड़ता है, तो यहाँ भी हम जानना चाहेंगे कि पिछले साल जो बच्चों का रिजल्ट रहा था उसके अनुसार उन चीजों को देखते हुए इस साल बोर्ड प्रशासन ने कितने बदलाव किए हैं और उन बदलावों को लेकर कितनी तैयारी प्रशासन ने लक्ष्य की है? देखिए, अगर पिछले साल की परिणाम की बात की जाए तो काफी अच्छा 12वीं का परिणाम रहा था।
हालांकि उस समय ये माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से कहा गया था कि काफी कुछ बदलाव इस बार किए जाएंगे। मैंने पहले ही बताया कि इस बार एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है, वो है उत्तर पुस्तिका की जो प्रति है उसको घटाया गया है। जो 40 पेज की उत्तर पुस्तिका रहती है जिसमें जो परीक्षार्थी हैं वो उत्तर उसमें भरते हैं, तो उसको 40 पेज से घटाकर 32 पेज किया गया है। इसके अलावा अतिरिक्त आंसर शीट की जो कॉपी है वो यहाँ पर परीक्षार्थियों को नहीं मिलेगी। मेरे साथ बी एल साहू जी हैं, उनसे भी जानते हैं क्या महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं इसके अलावा। और देखा जाए तो कि पिछले बार जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा था, तो इस बार रिजल्ट अच्छा है, इसके लिए क्या बदलाव किया गया है? रिजल्ट अच्छा है इसके लिए परीक्षार्थियों को विशेष रूप से तैयार किया गया है। क्लास में अतिरिक्त कक्षा लगा करके पढ़ाई की गई है और विशेष कक्षा विशेष करके अंग्रेजी, गणित एवं विज्ञान विषय की लगाई गई है ताकि वो उसमें कठिनाई महसूस न करें, उनके कठिनाइयों का निवारण किया गया है। तो देखिए, व्यवस्था और विशेष इंतजाम माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से किए गए हैं और अतिरिक्त कक्षाएं भी 10वीं और 12वीं जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए यहाँ पर लगाया गया था, क्योंकि कोर्स पूरा नहीं हुआ था बीच में, इसके लिए अतिरिक्त कक्षाएं लगाई गई थी ताकि बच्चों का जो कोर्स है वो पूरा हो और उनकी तैयारी पूरी हो सके। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हेमंत।